हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईज। माय नेम इज़ नेहा रकावालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर सेबी ग्रेड ए 2022। सेबी ग्रेड ए 2022 का रिजल्ट आ चुका है गाइस। दिस इज द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट व्हिच इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी। सेबी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे ये पूरी लिस्ट है ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। कंग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट जिसने इसको समय दिया एंड दे वर एबल टू गेट इन टू दिस एरिया। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो आप सेबी के पोर्टल पर भी जा सकते हैं और साथ साथ हमारे पोर्टल पर भी हम आपके लिए रिजल्ट अपलोड कर देंगे ताकि आप वहाँ से रिव्यू कर सकें। आपकी इसकी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको आपकी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से सिर्फ आपको अपना रोल नंबर डालना है और आप सर्च कर सकते हैं दैट वेदर यू हैव क्लियर इट एंड एवरीबडी हु इज एबल टू क्लियर इट कॉन्ग्रेचुलेशन। यू आर एबल टू डू समथिंग वेयर द फेज वन इज ओवर बट नाउ द नेक्स्ट लेवल कम्स, फेज टू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एंड इसी के साथ साथ जब हम नेक्स्ट लेवल बात करते हैं यानी आपके फेज टू की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, टू कवर द एरिया ऑफ फेज टू आपको मेहनत डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि फेज वन ही इन्होंने बहुत बैलेंस्ड पेपर रखा था। सो देन व्हेन वी टॉक अबाउट द फेज टू तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट वी वर्क अपॉन इट अकॉर्डिंगली। साथ ही साथ जब हम इसकी बात करते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए, अब टाइम आ चुका है कि आप इसको क्लियर कर चुके हैं तो आपको इस समय पर रिक्वायरमेंट रहेगी टेस्ट सीरीज की, आपको रिक्वायरमेंट रहेगी आपके वीक एरियाज को कवर अप करने की। सो जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट देयर राइट। तो अपनी तरफ से जितनी ज़्यादा आप चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, उसको उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन अप करके चलिए ताकि आपकी प्रिपरेशन में फेज टू की तरफ कोई कमी ना रह जाए। फेज टू की इन्होंने डिटेल्स दे दी हैं आपका, देखिए आपका जो नेक्स्ट पेपर है विल बी कंडक्टेड ऑन 20th of March, यानी अब आपके पास रह गया एक महीने के आसपास का समय। सो एक महीने से ज़्यादा कम का समय राइट, तो आपके पास कम दिन रह गए हैं क्योंकि अगेन फरवरी में आपके पास 25 तो आज हो ही गई है, विच इज लेफ्ट विद 3 days मोर ऑफ फरवरी एंड 19 days ऑफ द मार्च। दैट मीन्स आपके पास रफली 22 days के आसपास का समय है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एरिया व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन अप कीजिए एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स दैट एरिया। सेकेंडली ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु कुडंट क्लियर इट, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट यू कम अप विद अ बेटर प्लान, यू मेक योर प्लान्स राइट अवे। सेबी इज डन बट नबार्ड एंड आरबीआई इस साल फिर आएंगे, यानी हर साल इनकी एनुअल रिक्रूटमेंट्स रहती हैं। डू नॉट लूज योर हार्ट बिकॉज द मेन एम इज टू स्ट्रेंथन योर सेल्फ एंड गो हेड फॉर द फेलियर्स एज वेल एज द सक्सेसेस। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आप फाइट करते हैं अपने साथ उतना ही आपका स्ट्रेंथ आपका साथ देती है। एंड इफ यू अटेम्प्टेड दिस पेपर विद ऑल योर हार्ट ऑल यू कैन डू इज फाइंड आउट कहाँ पर दिक्कत आ रही थी और उनके ऊपर साथ साथ वर्क करना शुरू कर दीजिए। सेकेंडली अगर किसी भी सेबी ग्रेड ए एस्पिरेंट को टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट रहती है या मॉड्यूल कोर्सेज या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपका वीक है तो उस वीक एरिया को कवर करने के लिए आप अभीपीडिया के पोर्टल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ के लिए डिटेल्स मिल जाएंगी, यानी आपको क्या करना है जस्ट एक ओपन करके दिखा देती हूँ। आपको सिर्फ वहाँ पर जाना है, अभीपीडिया के पोर्टल पर आप जाएंगे तो आपको सेबी ग्रेड ए की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिल जाएगी। सो वट यू कैन डू इज जस्ट क्लिक ऑन दिस एरिया, क्लिक ऑन द सेबी ग्रेड ए एंड यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑफ सेबी। दैट मीन्स आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज है हमारी, स्पेशली जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन है उसको अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। और साथ साथ आपके पास क्या आ जाते हैं, नॉट ओनली द एरिया ऑफ द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव बट आपके पास कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, हमारी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को आप रिव्यू कर सकते हो। साथ ही साथ किसी का कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक भी अगर दिक्कत कर रहा है तो आप सिर्फ कॉस्टिंग के टेस्ट, आप सिर्फ अकाउंटेंसी के टेस्ट, आप सिर्फ इंग्लिश के टेस्ट, आप किसी भी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके उसको पढ़ सकते हैं। सो जस्ट गो हेड गिव योर बेस्ट शॉट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए फेज टू। साथ ही साथ ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु कुडंट क्लियर यू स्टिल हैव होप गाइस। इसके बाद आरबीआई ग्रेड भी आने वाला है, आरबीआई असिस्टेंट इज ऑल्सो देयर इन द पर्टिकुलर एरिया। साथ ही साथ इस साल अगेन नबार्ड फिर आएगा तो आप अपनी तरफ से दिस फेलियर शुड नॉट लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, रैदर इट शुड गिव यू द स्ट्रैटेजी कि अब मेरे पास अगला टारगेट क्या है और मैं किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ विद इन दिस लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि अगेन बात करना आसान है लेकिन इसके बाद मार्च है, देन मोस्ट प्रोबेबली बाय अप्रैल और मे वी कैन एक्सपेक्ट द एरिया ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एज वेल। सो जस्ट
Switch to your the opportunity that is available in front of you. Why to lose that opportunity over a failure? Rather, make it a ladder. और इस तरीके से अपने फेलियर्स को ओवरकम कीजिए और अपने लिए अगली अपॉर्चुनिटी खुद बिल्ड कीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. एंड साथ साथ द पॉइंट इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे एवरी वन. दोज हु आर इन टू द फेज टू एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल. गो अहेड गाइज. थैंक यू एंड टेक केयर.